श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना दुख व्यक्त करता हूँ, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और भाइयों और बहनों, बहुत से वक्ताओं ने कहा और कह रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं, हमें कम संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये अगर 50 लोग भी लेकर चलेंगे तो वो अगर मुद्दा बन जाएगा तो एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन सकता है, बहुत बड़ी क्रांति बन सकती है, बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। प्रयास हमें करना चाहिए। सुरेंद्र चौधरी जी और उनकी टीम ने प्रयास किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, जैसा मुझे पता लगा 10 दिन पहले सुरेंद्र चौधरी जी ने यह कार्यक्रम तय कर दिया था सबसे पहले, लेकिन मोती बाग में एक बैठक हुई, उसमें आज का प्रोग्राम गांधी जयंती के दिन राजघाट पर रखा जाना चाहिए था, वो पुलिस परमिशन नहीं मिली। मैं उन साथियों का बहुत कहना चाहता हूं कि जब उनको कार्यक्रम जंतर मंतर की तरफ मोड़ना था तो वो कार्यक्रम सुरेंद्र चौधरी के बैनर के साथ जुड़ जाना चाहिए था, उनका बैनर भी यहाँ लग जाना चाहिए था, सारे संगठनों के बैनर यहाँ लग जाते तो ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार हो जाता, बहुत ही ताकतवर हो जाता। हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि आज हजारों लाखों संगठन बन गए हैं, हम कोई आंदोलन करना चाहते हैं, हम उस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, हम उस परिवार को दिल्ली में लाना चाहते हैं, हम उस परिवार के केस को, उन बच्चों के केस को यहाँ दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट पर लाकर एक मूवमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा संकल्प चाहिए, बहुत बड़ी संख्या चाहिए। बिना संख्या बल के प्रेशर आज नहीं बनता। आज पूरे देश के अंदर जातिवाद की नेतागिरी हो रही है, जातिवाद के नाम से बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, जिसके संख्या भारी वो उसको जीत जाता है या लड़ जाता है, उनके ऊपर मुकदमे भी बनते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते। और हम क्या करते हैं, हम खाली भाषणबाजी करते हैं। मैं इस मौके पर ये बातें नहीं कहना चाहता, भाई सुरेंद्र चौधरी जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज काफ़ी संख्या में लोग हमारे सफाई कर्मचारी आना चाहते थे यहाँ, लेकिन उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी। आज 2 अक्टूबर के दिन उनकी गजटेड छुट्टी कैंसिल कर दी गई और उनको जबरन ड्यूटी पर बुलाया गया, लेकिन मैं सुरेंद्र चौधरी जी आपको दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के नाते ये कहना चाहता हूँ, अपनी पूरी टीम को कहना चाहता हूँ, हमारे सफाई मजदूर संगठनों के जितने नेता हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन अपने सारे सफाई कर्मचारियों की छुट्टी करा सकता हूँ। आप दोबारा से तय करें, हम सब मिलकर छुट्टी करके इस मूवमेंट को आपके साथ लड़ेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल अपील करूँगा अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों से, एक बहुत दर्दनाक घड़ी है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, देश के कोने कोने में राज्यों में इस तरह की जो घटना हो रही है इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए इस घटना के ऊपर, और न केवल इस घटना के ऊपर बल्कि राज्यों में जहाँ जहाँ हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, उसको अपना बयान देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, ये जो हमारे साथ होता रहा ये कहीं उग्र रूप में धारण ना हो जाए, ये क्रांतिकारी आंदोलन हो जाए, ये हिंसात्मक ना हो जाए, हमारे सबर की परीक्षा ना ली जाए। हम इस आंदोलन में किसी पद की परवाह नहीं करते, किसी पार्टी की परवाह नहीं करते, किसी भी तरह की परवाह नहीं करेंगे। यदि इस आंदोलन को हमारे युवाओं ने चिंगारी दे दी तो मैं मजबूर हूँ इस आंदोलन को इंसाफ की बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से आप सब लोग इसको बढ़ाएं। आज व्हाट्सएप का जमाना है, आपका फेसबुक का जमाना है, अपना अपना मोबाइल उठाइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।